Assalamualaikum everyone, hope you all are doing good. Welcome back to my channel. उम्मीद है आप सब खैरियत से हो गए. तो if you are new in my channel then subscribe my channel and also like my video and do share. So आज मैं कॉलेज नहीं गई थी, मैं अभी अभी नहाई हूँ, नहा के आई हूँ. तो आज मैंने मम्मा के साथ मार्केट जाना है कुछ लेने, मेकअप वगैरह थोड़ा सा और भी कुछ घर की चीज़ें वगैरह लेने जाना है. तो मैंने कहा व्लॉग शूट कर लेती हूँ मैं. तो आपने एंड तक व्लॉग में मेरे साथ है ना, आपको बहुत मज़ा आएगा. जा रही थोड़ी देर तक मम्मा के साथ मार्केट, फिर मिलती. सो यहाँ मैं पहुँच गई हूँ और ऊपर जा रही हूँ. मैंने बहुत मुश्किलों से यहाँ थोड़ी बहुत वीडियो बनाई क्योंकि ये लोग वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे बिल्कुल भी. और यहाँ ये मामा ने रिंग पहनी थी तो मुझे सही लगी बस, लेकिन मैंने ये ली नहीं. उसके बाद मुझे एक ये रिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी. ये मुझे वैसे भी ये जो नग वाली होती है ना, ऐसे मुझे रिंग बहुत अच्छी लगती है. और ये हूँ मैं. एंड उसके बाद मैं ये देख रही थी ज्वेलरी. मैं मेकअप के लिए गई थी लेकिन मैं ज्वेलरी के पीछे पड़ गई वहाँ जाके, लेकिन मामा ने लेनी नहीं थी क्योंकि आगे मेरे पास इतनी पड़ी है, पड़ी ख़राब हो रही, मैंने पहनी नहीं है. तो ये सारी ज्वेलरी लगी थी और काफ़ी अच्छी अच्छी लगी हुई थी. और यहाँ ये नई नेल पॉलिश आई थी मैट में, ये बहुत अच्छी थी. इनमें से जो शेड हमें चाहिए था वो हमें मिला नहीं. उसके बाद हम इधर आए थे इस जगह पर. यहाँ से मामा ने थोड़ी बहुत चीज़ें ली घर के लिए. और ये डेकोरेशन पीस लगे हुए थे एंड ये स्लाइम थी. तो मैंने कहा मैं लेने, मम्मा कहती काम वाली चीज़ें लो, बकवास चीज़ें मत लो. उसके बाद ये ट्रे वगैरह मम्मा देख रही थी एंड ये पिलोस वगैरह लगे हुए थे, डेकोरेटिव पिलोस एंड ट्रैवल पिलोस थे. बस थोड़ी बहुत मैंने वीडियो बनाई एंड ये किचन का थोड़ा बहुत इधर सामान लगा था. और ये मैंने मिरर देखा था, जब मैं मेकअप वीडियोस बनाती हूँ तो मिरर की ज़रूरत होती है, तो मैंने कहा मैं ये लेती हूँ. उसके बाद मैंने ये देखा, दोनों मिरर मैंने देखे लेकिन मैंने इनमें से लिया कोई भी नहीं क्योंकि मुझे जो चाहिए था उस टाइप का नहीं था. और ये मैंने बैग देखा था, ये मुझे इतना ज़्यादा बैग पसंद आया, मुझे बैग बहुत पसंद आया था. ये छोटा सा था, पाउच चाहिए बल्कि, और ये पाउच भी बहुत कमाल था. मुझे ये दोनों पाउच बहुत पसंद आए थे लेकिन लिए ही नहीं. और ये भी मुझे बहुत पसंद आया था. और जो ये नियॉन पिंक था और ये इसके ग्लिटर में जिप थी, तो ये मुझे बहुत पसंद आया था. बहुत जगह मैं घूमी हूँ, मतलब घर की भी काफ़ी चीज़ें मम्मा ने लेनी थी, मेकअप लेना था और वो जो मैंने आपको दिखाया है. वहाँ से हमने बास्केट ली थी, जग लिया था और नेल पॉलिशेस वगैरह ली थी. जग ये हमारा था जो हमारा टूट गया, फिर अब नया लाए हैं. हमारा जग टूट गया था, ये लाए हैं. और मैं भी काफ़ी चीज़ें लाई हूँ. आज मेरे मम्मा के बहुत ज़्यादा पैसे लगाए और मुझे मज़ा आ गया. मैंने कपड़े भी लाए हैं, टॉप लाया साथ में, नए लाने थे मैंने. मेरे जो थे वो मेरे पुराने हो गए थे तो मैंने कहा मम्मा मैं नए लाने, तो फिर मैं नहीं लाई हूँ. बहुत प्यारे हैं वो जब मैं पहनूंगी तो मैं आपको वो दिखाऊंगी. एंड अब मैं आपको अपनी चीज़ें दिखाती हूँ. तो सबसे पहले मैंने लिया है ये, ये है लूज़ पाउडर. मेरे पास लूज़ पाउडर था लेकिन वो मेरे शेड का नहीं था, वो मेरे शेड से काफ़ी डार्क था तो मैंने ये लिया है. मैं खोलती हूँ, वन विटामिन एच. मेरे से खुल नहीं रहा. अंदर से ये कुछ इस टाइप का है. इससे आप अपने फेस की बेकिंग करते हैं. ये जब मैं यूज़ करूँगी तो मैं वीडियो भी बनाऊँगी कि ये कैसा लगा है मेरे पे, और मतलब मेरे फेस पे बिल्कुल सेट लगा है ये कि नहीं. गई थी परफ्यूम वाली साइड पे, मेरे सारे परफ्यूम ख़त्म हो गए थे तो मैंने परफ्यूम लेना था. वो मम्मा ने मुझे बिल्कुल भी परफ्यूम नहीं लेने दिए तो मुझे ये छोटा सा मिला पेंसिल परफ्यूम, तो मैंने ये ले लिया. इसकी फ्रेग्रेंस बहुत लाइट है और ये बहुत अच्छा है. ये पेन परफ्यूम लिया है मैंने, इसकी फ्रेग्रेंस जो मैं अब आपको दिखाने लगी हूँ वो तो मेरा फेवरेट है. ये है तारे, इसको
ये है ग्लिटर, ये है मेबेलिन न्यूयॉर्क के फिट मी मेबेलिन न्यूयॉर्क के, ये है लिक्विड ग्लिटर्स है और ये इतने ज़्यादा अच्छे हैं, इतने ज़्यादा अच्छे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती ये पूरी किट थी, लेकिन मैंने इनमें से सिर्फ दो लिए हैं बिकॉज मम्मा कहती है ज़्यादा नहीं लेने क्योंकि घर में भी बहुत से ग्लिटर पड़े थे, लेकिन मेरे से रुका नहीं जाता, मैंने कहा लूँगी तो मैं ये ज़रूर, तो फिर मैंने ये दो लिए हैं। तो ये थे मेबेलिन ग्लिटर, अब मैं आपको स्वाचेस दिखाती हूँ। नज़र आ रही है ये बहुत पिगमेंटेड है और इसकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी थी कि ये फ़ौरन सूख जाते हैं, ये टाइम नहीं लेते। एंड द नेक्स्ट शेड इज़ दिस, मैं आपको ये भी ट्राई करके दिखाती हूँ। वाइट शेड और इसके ऊपर वाला है पीची शेड, ये दो शेड मैंने लिए, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, फोकस ऑफ हो रहा है ये दो शेड, और ये अभी सूख भी गए हैं ये बहुत अच्छे हैं, सूख भी जल्दी जाते हैं। लिया था लेकिन ये मेबेलिन का नहीं है, ये मैंने लिया था तो ये है ग्रे ब्लैक में, मतलब ये ग्रे ब्लैक मिक्स ऐसे कुछ कलर है। सो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इसका स्वाच, ये ग्रे, इसका शेड ग्रे में आ जाता है, ये ग्रे में है, ये बहुत अच्छा मुझे पसंद आया तो मैंने ये ले लिया। अब मैंने ये लिया ये ब्रश, ये मैंने अभी इससे थोड़ा सा ट्रांजिशन करने की कोशिश की थी, ये बहुत ही मतलब फ्लफी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और इसके ब्रिसल्स भी मतलब निकल नहीं रहे, ये बहुत अच्छा मुझे लगा। और मैं ये सारी चीज़ें वीडियो में यूज़ करूँगी तो मैं आपको इनका रिव्यू भी दूँगी ये कैसा है और कैसा नहीं। उसके बाद मैंने आई लैशेज ली थी, ये मैंने इसके बाद ये आई लैशेज ली है, मैंने लाइट वाली ली है, मुझे लाइट वाली चाहिए थी और इसके साथ इन्होंने छोटी सी आई लैशेज ग्लू भी दी हुई है, आपको शायद नज़र आए, ये नज़र आ रही है। उसके बाद मैंने ली थी रिंग्स, रिंग तो मेरा लव है और मुझे रिंग जो है वो मुझे बिल्कुल बारीक बारीक से डिज़ाइन वाली पसंद है, तो मैंने ये दो रिंग्स ली है, ये दो, तो ये मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। ये देखें ये कैसी लग रही है, मुझे बताइएगा। ये इसका डिज़ाइन है, ये थोड़ा सा टेढ़ा और ये मुझे बहुत पसंद आया था, बिल्कुल बारीक सी, और इसके अंदर ये जो है इसके अंदर ये मोती है। और उसके बाद सेकंड वन है ये वाली, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, ये देखें ये बहुत मतलब काफ़ी डिफरेंट स्टाइल है और ये बहुत यूनिक है, सिंपल सा, तो मुझे ऐसी रिंग्स पसंद है तो मैंने ये तो ले ली, मुझे बहुत पसंद आई थी। उसके बाद नेल पॉलिश रिमूवर है एंड मैं ये दिखाऊंगी आपको, ये वैसे तो मैं नेल आर्ट तो मैं खुद बहुत अच्छा कर लेती हूँ, लेकिन उसमें ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है नेल आर्ट करने में, क्योंकि आपको पता है कि उसमें स्ट्रिप्स को वो करना होता है, तो ये मैं लेकर आई हूँ ये नेल आर्ट के लिए, ये मैं लाई हूँ नेल आर्ट के लिए, तो ये हम इजीली अपने नेल्स पे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये मैं यूज़ करूँगी कि ये मतलब अच्छे तरीके से आपके नेल्स पे लगता है, कैसा है, पील ऑफ है या क्या है, तो मैं इसको जब यूज़ करूँगी तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। एंड लास्ट वन थिंग जो मैंने ली है वो है ये मिस रोज का, ये मैंने लिया था शिमर, ये मैंने लिया था मिस रोज का शिमर, ये मैंने इधर स्वच किया था, ये आते हैं, ये अभी थोड़ी देर पहले मेरे से गिरा और ये अंदर से टूट गया, तो स्वच करके दिखा देती हूँ। स्वाचेस बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, ये इधर ही करके दिखा देती हूँ मैं,
कैन यू सी डैट पिगमेंटेशन, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है ये, बहुत ज़्यादा, और मैंने इसीलिए लिया था ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। मैं इसको अपनी वीडियो में यूज़ करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये था मेकअप, और अभी टाइम हो रहा है 3 बजने वाले, और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, मैंने सुबह का कुछ नहीं खाया, तो मैं अभी खाने लगी हूँ खाना, तो फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे।